टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क, टॉर्क मतलब जो फोर्स है उसका मोमेंट, यानी टॉर्क का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे जो प्रोडक्ट है फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस जो फोर्स लग रहा है, जो ये फोर्स लग रहा है जिससे ये बॉडी रोटेट हो रही है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। मान लीजिए ये फोर्स इसको रोटेट कर रहा है, तो ये मान लीजिए इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो जो फोर्स हो रहा है अप्लाई और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। यानी टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉ से रिप्रेजेंट करें, तो ये एफ तो फोर्स हो गया, साथ में आपका आर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आर और एफ को का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आर इंटू एफ साइन थीटा, आर और एफ इसके मैग्नीट्यूड हो गए, और एन कैप यानी कि जो टॉर्क होगा वो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। थीटा जो है वो आपका एंगल है आर और एफ के बीच में, एन कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग आर। तो अगर हम मेजर करें इसको तो न्यूटन मीटर में करेंगे, इसका डायमेंशन होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। तो समझाने का मतलब अगर देखें तो ये आपका यहां से यहां तक आपका आर है, अगर मैं इसको एक्स और इसको वाई मानूं, ये एक्स है ये वाई है, तो ये अगर आर है तो ये आर साइन थीटा है, अगर ये थीटा है तो, क्योंकि ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा, इस तरीके से लेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो इसलिए ये आर साइन थीटा होगा, और ये अब इस बार ये आर कॉस थीटा होगा। तो आर साइन थीटा, अब हम ये आर और एफ कैसे निकालते हैं, मतलब आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, यानी आर का फोर्स, फोर्स के ऊपर प्रोजेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये आर है ये एफ है, और जैसे इसकी डेफिनेशन है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्सिस है और ये फोर्स है, मैं इस फोर्स को आगे बढ़ा देता हूँ, इस फोर्स और इस एक्सिस, ये जो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर साइन थीटा है ना, ये आर साइन थीटा, तो यही आर साइन थीटा यहाँ लिया गया है और ये फोर्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या आ गया आर इंटू, ये बेसिकली आर साइन थीटा इंटू एफ लिखना चाहिए इसको, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको ये है बेसिकली एफ इंटू आर साइन थीटा, यानी सेंटर ऑफ एक्सिस और इस फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो है, और साथ में एन कैप तो है ही, इसीलिए इसका जो डायरेक्शन मैंने बताया कि भाई एन कैप किस जगह जाएगा, वो आपका आर डायरेक्शन में जाएगा।